मथुरा में गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पर्व दीपावली के अगले दिन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। इस दिन गाय की सेवा का विशेष महत्व है। इस दिन के लिए मान्यता प्रचलित है कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन धाम के लोगों को तूफानी बारिश से बचाने के लिए पर्वत अपने हाथ में उठा लिया था। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी कहानी। गोवर्धन पूजा का प्रचलन आज से नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के द्वापर युग से चल रहा है। द्वापर युग में पहले ब्रजवासी भगवान इंद्र की पूजा किया करते थे, मगर भगवान कृष्ण का तर्क था कि देवराज इंद्र गोकुल वासियों के पालनहार नहीं है, बल्कि उनके पालनहार तो गोवर्धन पर्वत हैं, क्योंकि यहीं ग्वालों के लिए चारा मिलता था जिससे लोग दूध प्राप्त करते थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों को कहा कि हमें देवराज इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? पंडित मूलचंद उपाध्याय। आज क्या उपलक्ष्य में यहाँ 56 भोग लगा हुआ है जो अन्नकूट महोत्सव है, गोवर्धन पूजा का दिन है, आज के दिन क्या विशेष है जो आज ये अन्नकूट लग रहा है? आज गोवर्धन पूजा का दिन है हमारे गिरिराज जी के। आज के दिन अन्नकूट और 56 भोग का ही प्रसाद लगता है हमारे गिरिराज जी में। उसी के उपलक्ष्य में ये श्री विट्ठल नामदेव धाम पर आयोजन किया गया है गिरिराज जी की कृपा से। ये अन्नकूट किस लिए लगाया जाता है और क्या इसकी महत्व है जो अन्नकूट आज गोवर्धन पूजा के दिन ही लगाया जाता है? ये ठाकुर जी की सेवा के लिए, हमारे गिरिराज जी की सेवा के लिए उनको भोजन प्रसादी पवाई जाती है और समस्त ब्रजवासियों का सम्मान होता है इससे। कितने सालों से चला आ रहा है ये कार्यक्रम आपके यहाँ? विगत मेरे यहाँ 11 साल हो गए मेरे ठाकुर जी की स्थापना हुए, और बराबर प्रत्येक साल कार्तिक पूर्णिमा को अब के किसी कारणवश मैंने जो है आपके अन्नकूट महोत्सव में कर गिरिराज जी। आपकी अन्नकूट महोत्सव के लिए कोई मान्यता वगैरह है जो आप यहाँ पे कुछ मान्यता के चलते यहाँ कुछ कर रहे हो, जैसे विट्ठल नामदेव पर मान्यता के अनुसार अन्नकूट लगाया जा रहा है? ये तो एक ठाकुर जी की कृपा है, मेरी कोई किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है। मैं तो ठाकुर जी के भोग में समर्पण हूँ।